और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये लुक जो कि मैं डेली बेसिस पर अपने घर में करती हूँ। और ये मेकअप लुक अचीव करना बहुत ही ज़्यादा इजी है क्योंकि इसमें मैंने कोई भी मेकअप टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने जस्ट इसे अपने हाथों की हेल्प से अचीव किया है। सो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। मेक श्योर अगर हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, लाइक और शेयर तो बनता ही है। सो नाउ लेट गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है मेकअप से पहले कि आप अच्छा सा स्किन केयर करें। सो मैंने स्किन केयर कर लिया है, मैंने बहुत अच्छे से सीरम और एक मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। प्राइमर लगा रहे हैं हम, तो प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया NYB का। समटाइम मैं एलोवेरा जेल इस्तेमाल भी करती हूँ। और फाउंडेशन के लिए मैंने एक स्टे क्वर्की की स्टिक ली है, इसमें मेरा शेड है 04। बाय द वे प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें सारे शेड्स वगैरह के लिए। इसके बाद इसमें एक स्पंज भी आता है, बट हम अपने हैंड की हेल्प से इसे अप्लाई करेंगे बिकॉज हैंड से भी ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है एंड बहुत ही ईजिली ये अच्छा सा कवर भी दे देता है, आपको कवरेज भी दे देता है, लाइक शेयर टू मीडियम कवरेज। देन इसके बाद एज अ कंसीलर मैं इसी का शेड ले रही हूँ, शेड नंबर 02, और अपने यूजुअल एरियाज़ जहाँ पर भी हम सब हाईलाइट करते हैं, कवर अप करते हैं, वो मैं कर रही हूँ। और देन फिंगर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर दूँगी, बहुत ईजिली बहुत ही जल्दी ब्लेंड हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है एज यू कैन सी। देन इसके बाद मैं ले रही हूँ लिपस्टिक जो कि है मिस क्लेयर की लिप क्रीम, और ये मेरी अल्टीमेट फेवरेट है। इसमें मेरा शेड नंबर 39, इसे मैं इस लिप क्रीम को मैं यूज़ करती हूँ एज अ ब्लश। और ये एज अ ब्लश मतलब मैं इसे डेली बेसिस पे भी इस्तेमाल करती हूँ एंड ऑल्सो जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ, तो मैं इसे एज अ ब्लश ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। देन इसके बाद मैं ले रही हूँ लैक्मे का फेस पाउडर जो कि सन एक्सपर्ट है, क्योंकि मैं इंश्योर कर लेती हूँ कि अगर मैं दिन में कहीं बाहर जा रही हूँ या घर में ही रह रही हूँ तो अच्छे से मुझे एक सनस्क्रीम का मुझे एक फ़ायदा मिलता रहे। देन इसके बाद मैं आईब्रो के लिए मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ एंड मैं घर पर इसी आई पेंसिल का इस्तेमाल करती हूँ। समटाइम्स मैं मेबलिन की फैशन क्रीम ब्रो जो आती है, फैशन ब्रो वाली, वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। और आप अब भी ख़ुद अपनी आंखों से एक डिफरेंस देख सकते हो, कितना अच्छा डिफरेंस है। और बहुत ही अच्छे से ये जो क्रीम है बहुत अच्छा अपना सॉरी मतलब पेंसिल है वो बहुत अच्छा काम करती है। देन इसके बाद ये ऑप्शनल स्टेप है, तो मैं उसी लिप क्रीम को मैं एज अ आई शेडो भी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बहुत ही मतलब मैं रेयर केस पे करती हूँ, मैं ये सब चीज़ें घर पर बहुत मतलब नहीं करती कभी कभी, बस ये है कि कभी कभी मैं ये जो हाइलाइटर मैं लगा रही हूँ बीच में ये मैं ज़रूर लगाती हूँ घर पर। तो इससे क्या रहता है कि आपकी जो आईज़ होती हैं वो पॉप अप होके आती हैं, तो आप सोचेंगे घर पर यार मैं अब शादीशुदा हूँ तो थोड़ा बहुत तो मेकअप चलता ही है, तो थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ। देन इसके बाद उसी हाइलाइटर को मैं अपने चिक बोन्स पे लगा रही हूँ हाइलाइट करने के लिए। और आज मुझसे वॉइस ओवर में काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, आई नो, प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा बिकॉज एजेस के बाद मैं वॉइस ओवर एंड वीडियो शूट कर रही हूँ, तो दैट इज़ द रीज़न। इसके बाद मैं काजल पेंसिल ले रही हूँ शैम्बोर की एंड ये मुझे फैब बैग में रिसीव हुई थी, और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग काजल पेंसिल है, बहुत अमेजिंगली वर्क करती है। बहुत ज़्यादा मतलब स्मज प्रूफ नहीं है, बट बहुत कुछ टाइम के बाद, घंटे दो घंटे के बाद ये स्मज हो जाती है। देन इसके बाद SQ का मैं आईलाइनर ले रही हूँ और एक अच्छा सा विंग लाइनर बना रही हूँ। विंग आईलाइनर मैं घर पर रहूँ तब भी और मैं बाहर जाऊँ तब भी मैं ज़रूर लगाती हूँ, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है विंग लाइनर, इसे मेरी आईज़ बहुत अच्छी लगती हैं। मस्कारा की जो क्लिप है वो डिलीट हो गई है, तो समटाइम्स क्योंकि मैं मस्कारा लगाती भी हूँ और समटाइम्स मैं इसको इग्नोर भी कर देती हूँ, दैट इज़ द रीज़न कि इसमें मस्कारा की क्लिप नहीं है। इसके बाद लिपस्टिक के लिए मैं शेड मैं लिक्विड लिपस्टिक ले रही हूँ लॉरियल की, और इसमें जो शेड है वो सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
वैसे तो ये रेड लिपस्टिक मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं पिंक एंड ब्राउन जो न्यूड होती हैं वो शेड इस्तेमाल करती हूँ। इसको थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए मैं एक ब्राउन, लाइट ब्राउन शेड की लिक्विड लिपस्टिक ले रही हूँ, उसे टॉपअप कर लूँगी। एंड इन लिक्विड लिपस्टिक की डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इनके सारे स्वेचेस का वीडियो भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, मेक श्योर आप चेकआउट कर लो। देन यहाँ पर हमारा मेकअप पूरा होता है बिना किसी टूल के। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, ये लुक अच्छा लगा होगा। कैसा लगा लुक मुझे ज़रूर बताइएगा। हल्के फुल्के मेकअप मैं करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, बट अगर आपको मेरा रोज़ाना का जो मेकअप मैं बाहर जाती हूँ वो करती हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो थोड़ा इससे हटकर होता है ऑब्वियसली, थोड़ा मोर कवरेज के साथ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी, रही हो तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर हिट कर दो, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट करिएगा। एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।